गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका गुरप्रीत सर ग्रीन स्टार चैनल से। आज हम कर रहे हैं प्लस टू क्लास का 7 चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है इसमें? y इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू में क्यूब रूट। ये 3 है जो हमें ये दे रखा है, इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट दे रखा है हमें किसका? ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर कितनी है? 1/2। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इसकी पावर 1/3। ठीक है, अब हमें इनको सेम करना है। सेम कैसे करेंगे? हम इसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। वो कैसे करेंगे? ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये एज इट इज, इनटू में ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी, 1 - 1/3। चेंज किया इसको तो इसलिए पावर क्या आ गई? नेगेटिव। इसलिए चेंज किया क्योंकि अब ये बेस सेम हो जाएगा इनका। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर बन जाएगी मल्टीप्लाई करने पे। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1, तो पावर होगी इसकी 1/6। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव कैसे करेंगे? dy/dx इक्वल 1/6 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर आ जाएगी -1 करने पे -5/6। ओके, अब हम डेरिवेटिव करेंगे जो अंदर फंक्शन रह गया उसका, ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर माइनस। ओके, तो देखो आगे 1/6 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, अलग अलग से पावर लिख लेंगे, -5/6 ऐसे डिनोमिनेटर में, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर पावर कितनी है? -5/6। मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करेंगे इसका u/v की फॉर्म में है तो v का स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है, इसका स्केयर अब v सेम होता है तो इसको सेम रखेंगे। u का डेरिवेटिव ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, स्केयर कांस्टेंट है इसका 0, एक्स स्केयर का क्या हो जाएगा? 2x माइनस ऊपर वाले टर्म सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा? स्केयर का 0 माइनस एक्स स्केयर है तो कितना हो जाएगा? -2x, यहाँ पे आ जाएगा -2x। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम, देखो 1/6 ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर, इसकी पावर -5/6 बाय में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर -5/6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2x बार कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर -± ए स्केयर प्लस में एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2x ए स्केयर बाय में 6 इंटू में हमारे पास ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर की पावर -5/6। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -5/6 इंटू में
पावर टू। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस फाइव बाई सिक्स बाय में सिक्स, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, क्या आ जाएगा, माइनस फाइव बाई सिक्स है प्लस टू करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, तो सिक्स एलसीएम आ गया, माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व तो सेवन बाय में सिक्स, जिसकी पावर आ जाएगी सेवन बाय में सिक्स। ओके, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स बाय में थ्री, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर सेवन बाय सिक्स इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर फाइव बाय सिक्स। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आगे समझ में। तो आगे हम कर रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें, y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स बाय में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, जो न्यूमिनेटर है उसमें तो एक्स वाली टर्म दे रखी है वेरिएबल, जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है। अगर हमें डिनोमिनेटर में कांस्टेंट और न्यूमिनेटर में वेरिएबल वाली टर्म दे रखी हो तो हमें इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो कैसे करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स बाय में रूट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, अब जो कांस्टेंट टर्म है नीचे वाली डिनोमिनेटर में, इसको हम आगे करके लिख लेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू में रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। ओके, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो तो एज इट इज रहती है यहाँ पे, वन बाय में रूट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव करना है हमें रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय में टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। ओके, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करेंगे हम, जो अंदर टर्म रहेगी उसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स माइनस टू ए एक्स का क्या होगा, टू ए। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट है, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, टू कॉमन आ गया, एक्स माइनस ए रह गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू में टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, टू से टू कैंसिल, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब हम कर रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, वाई इक्वल टू रूट फोर प्लस में रूट फोर प्लस में रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, सबसे पहले तो हम करेंगे फर्स्ट नंबर पे बार वाली पावर का डेरिवेटिव, फिर हम अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो पहले हम करते हैं डेरिवेटिव इस रूट का, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय में रूट फोर प्लस में रूट फोर प्लस में रूट फोर प्लस एक्स के। ओके, अब हम करेंगे जो अंदर फंक्शन रह गया उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे फोर का डेरिवेटिव क्या होएगा, जीरो, इसका हो गया। अब इस पावर का करेंगे, पावर का क्या होता है रूट का, वन बाय में टू रूट, यहाँ पे भी टू आएगा, वन बाय टू रूट फोर प्लस में रूट फोर प्लस में एक्स के। ओके, अब हम इसके अंदर जो है फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या रहेगा अंदर, फोर प्लस में रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर है, फोर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इस रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय में टू रूट फोर प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या रह गया हमारे पास, इसके अंदर जो टर्म है वो रह गई, इसका डेरिवेटिव करना है फोर प्लस एक्स स्क्वायर का, फोर का जीरो होता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे पास, टू एक्स, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, इस टू से ये टू कैंसिल।
अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 × 2 फोर, रूट फोर प्लस में रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में फोर प्लस में रूट फोर प्लस में एक्स स्क्वायर, इंटू में रूट फोर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो आ गया भाई ये समझ में क्वेश्चन, अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेवन पार्ट। तो सेवन पार्ट में क्या दे रखा है हमें, वाई इक्वल टू रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स बाय में रूट ए प्लस एक्स प्लस में रूट ए माइनस एक्स। अगर हमें इस टाइम में रूट वाली टर्म दे रखी हो प्लस माइनस के अंदर, तो हम सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे नीचे से रूट वाली टर्म को ख़त्म करने के लिए। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस में एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स बाय में रूट ए प्लस एक्स प्लस में रूट ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई में रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स बाय में आ जाएगा रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस। रैशनलाइजेशन कर दिया, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स इसका स्क्वायर बाय में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, ये पूरा ए हो गया, ये बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बाय में ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस में ए माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू ए माइनस टू रूट ए प्लस एक्स रूट ए माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में एक्स प्लस एक्स टू एक्स। तो यहाँ पे इन दोनों में से टू को हम कॉमन ले लेंगे, इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन गए सिंपल वाई वाली टर्म। ठीक है, अब आगे हम करेंगे वाई इक्वल टू ए माइनस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय में एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है अब हमें। उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वी का स्क्वायर, यू बाई वी की फॉर्म में है, वी का स्क्वायर वी सेम यू का डेरिवेटिव, ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, ए जीरो यहाँ पे माइनस एज इट इज, रूट का क्या होता है वन बाय में टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस 2x हो जाएगा, स्क्वायर का 0 माइनस का 2x, ये हो गया डेरिवेटिव इसका माइनस। अब ये एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर का x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर बाय में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में दे रखा है हमें एक्स के। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे ऊपर वाले टर्म का, तो एलसीएम आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी, इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, वन हो जाएगी पावर, तो यहाँ पे ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, जो ये नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों में से ए कॉमन ले लेंगे, तो ए माइनस रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाय में एक्स स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो ये हमारा आंसर है। अब हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आगे हम कर रहे हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, वाई इक्वल टू एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स स्केयर, प्रूव करना है हमें वन प्लस एक्स स्केयर डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स का स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर। तो कैसे करेंगे इसका, पहले डेरिवेटिव करते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स का वन माइनस वन बाय टू रूट वन प्लस एक्स स्केयर इन टू में वन का जीरो एक्स स्केयर क्या हो जाएगा टू एक्स, टू से टू कैंसल। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, रूट वन प्लस में एक्स स्केयर, रूट वन प्लस एक्स स्केयर माइनस में एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ जाए उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है, डेरिवेटिव करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है तो उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट वन प्लस में एक्स स्केयर डी वाई बाय में डी एक्स इक्वल रूट वन प्लस में एक्स स्केयर माइनस एक्स, ओके। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में रूट वन प्लस एक्स, ये इसलिए किया है क्योंकि ये सेम बन जाएगा किसके इक्वल, वाई के इक्वल, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का वाई, तो हमारे पास ये आ गया रूट वन प्लस एक्स स्केयर डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करेंगे इसमें, बोथ साइड स्केयर कर देंगे, बोथ साइड स्केयर करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस में एक्स स्केयर डी वाई बाय में डी एक्स का स्केयर इक्वल माइनस वाई का स्केयर, अब माइनस वाई का स्केयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारी प्रूव होगी, ओके। ये क्वेश्चन हो गया, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ जी, तो आगे कर रहे हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इफ़ वाई इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स की पावर फाइव देन प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स की पावर फोर बाई में टू वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल आ जाएगा वन बाय में टू रूट वन प्लस एक्स की पावर फाइव इन टू में फाइव एक्स की पावर फोर, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है, वाई, तो यहाँ पे वाई पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, ईजी है बिल्कुल।